हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो बनने वाला है स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक वीडियो में किसी न किसी अमेज़न की कमेंट तो होती है कि कुछ बर्थडे स्पेशल डीआईवाईज बनाओ, कुछ डीआईवाईज बनाओ बर्थडे रिलेटेड। तो आज हम कुछ यूनिक डीआईवाईज बनाने वाले हैं बर्थडे रिलेटेड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं बर्थडे कार्ड को। अब बर्थडे कार्ड के अंदर हम क्या क्या डेकोरेट करेंगे, कौन से स्टिकर्स लगाएंगे, क्या राइटिंग लिखेंगे और क्या छोटा मोटा ड्राइंग बनाएंगे, वो तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है और वो फटाफट से भी बन जाता है। लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बर्थडे कार्ड के फ्रंट पेज को कैसे डेकोरेट करेंगे, ये करें या फिर ये अच्छा नहीं लगेगा या ज़्यादा अच्छा लगेगा, उससे भी कन्फ्यूज़ रह जाता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही करता है, बर्थडे कार्ड के फ्रंट पेज पर क्या क्या डेकोरेशन हो सकता है वो देखते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल पेपर कट कर लिया है, उसको फोल्ड करने जितना कट नहीं किया है क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट पेज ही डेकोरेट करना है। एंड मैंने ले ली एक फॉर्म शीट, उसमें कौन शेप ड्रॉ किया एंड उसे कट कर लिया। उस पर लाइट ब्राउन पेंट करना है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर्स। हम एक्रेलिक कलर्स या और कोई कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे फॉर्म शीट तो आप सबको पता ही होगी, वो क्राफ्ट पेपर से ना थोड़ी थिक होती है, इसीलिए एकदम 3D इफेक्ट देती है। एंड सॉफ्ट तो वो होती है, इसीलिए कट इजीली हो जाती है। बाय द वे, ये हम आइसक्रीम का कोन बना रहे हैं, तो वो पैटर्न बना ली एंड देन स्टिक कर दिया। अब कुछ पॉम पॉम्स यूज करें। हैप्पीएस्ट बर्थडे तो लिख लिया, लेकिन उसको थोड़ी 3D इफेक्ट भी दे दी। एंड ये बर्थडे कार्ड का फ्रंट पेज है, इसीलिए ऑफ कोर्स कुछ बलून्स तो बनते ही है ना। नाउ फाइनली इट्स रेडी, कैसा लग रहा है। एंड हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट पेजेस करेंगे, इसलिए फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। तो केक की सिर्फ आउटलाइंस बना ली एंड डिफरेंट पेंसिल लाइनिंग्स कर ली। एंड मैं यूज कर रही हूँ ब्रश पेंस, वैसे पोस्का मार्कर्स भी ठीक होती है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो है ना ये केक का कुछ यूनिक बट वेरी क्विक आइडिया। एंड फिर पेंसिल की लाइनिंग्स इरेज करके परमानेंट मार्कर से थोड़ी सी डिटेल्स बना ली। एंड बॉर्डरिंग को काफी क्विक रखते हुए अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग। हम हैप्पी बर्थडे तो लिखेंगे लेकिन 3D टाइप से। वैसे जब आप कार्ड्स बनाते हो तो जनरली रेडीमेड थिंग्स यूज करते हो या फिर सब कुछ DIY बना के फिर पेस्ट करते हो। एंड बर्थडे स्पेशल DIYs बनाते बनाते ना मेरे माइंड में इतने सारे डिफरेंट आइडियाज आ रहे थे बर्थडे DIYs के कि मैं सोच रही हूँ सारे तो इस वीडियो में आ नहीं पाएंगे। तो क्या इसका पार्ट 2 भी हो जाए। तो आपके फैमिली में नेक्स्ट किसका बर्थडे आ रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप उनके लिए कार्ड बनाने वाले हो तो ये वाला कार्ड बनाओगे या फिर ये वाला। अब बनाते हैं DIY इयररिंग्स। एंड क्योंकि मोल्डेड क्ले के कंपैरिजन में सुपर क्ले से ज्यादा जल्दी भी बन जाएगा एंड पेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वी आर यूजिंग सुपर क्ले। अगर हम बर्थडे के आउटफिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो काफी अमेजिंग रहेगा। बाय द वे, तो सेमी सर्कल्स रेडी है। एंड अब पिंक एंड येलो को एकदम मिक्स नहीं किया है, थोड़ा सा ही मिक्स किया है, फिर उसको रोल कर लिया। एंड यस आप इसमें जो दो कलर्स को यूज करोगे उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही मिक्स करना, वरना ये वाली इफेक्ट नहीं आ पाएगी। एंड फाइनली हमारे दो यू शेप्स भी रेडी है। ग्रीन सेमी सर्कल्स में दो होल्स इसलिए है क्योंकि एक तो ईयर हुक के साथ जंप रिंग में अटैच होगा एंड एक होगा यू के साथ अटैच। आई थिंक शायद आपको मैं क्या बता रही हूँ समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रही थी कुछ इस तरह से। तो हो गए ना ग्रीन एंड येलो अटैच विद जंप रिंग एंड ऊपर जंप रिंग के साथ ईयर हुक। एंड दीज आर सो क्यूट। सो बन गई हमारी क्यूट इयररिंग्स। एंड अगर आप ये वाले इयररिंग्स ट्राई करने वाले हैं तो आप कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज करने वाले हैं कमेंट्स में जरूर बताना। और अब ऐसा ही एक और क्यूट DIY बनाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, एनी गेसेस? हम बनाने वाले हैं फ्लावर्स। एंड मैं 2 डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बनाने वाली हूँ, इसलिए पिंक एंड स्काई ब्लू क्राफ्ट पेपर्स ले लिए एंड साथ में ग्रीन कलर। यस, ग्रीन कलर इज फर्स्ट टाइम। एंड अगर हमें ग्रीन कलर से लीव्स बनाने हैं तो हम बना सकते हैं, लेकिन मैं इन फ्लावर्स में नहीं बनाने वाली। एक्चुअली लीव्स के साथ भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमें फ्लावर्स का जो बनाना है, यस, हम फ्लावर्स का भी कुछ बनाने वाले हैं, तो उसमें ज्यादा लीव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बातें करते करते हमने हाफ प्रोसेस तो कंप्लीट भी कर ली है। एक्चुअली इसे स्टिक करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेम चाहिए होगा, तो पहले वो बना लेता है, इसीलिए ग्रीन पेपर को डायगोनली रोल करना है एंड वुडन स्टिक का मैंने यूज किया है। एंड मैंने ऊपर थोड़ी ओपन स्पेस छोड़ी है क्योंकि वहां पे हम फ्लावर्स को रोल करने वाले हैं। सो फाइनली हियर इज अवर फ्लावर। और ऐसे मैंने और दो फ्लावर्स बनाए, लेकिन दो ब्लू कलर के एंड एक पिंक कलर का।
फिर ट्रांसपेरेंट शीट का रोल अप्रोक्स 10x10 सेंटीमीटर कट कर लिया। फ्लावर्स को एक साथ सेलो टेप की हेल्प से अटैच कर लिया एंड फिर उसमें रैप कर लिया। सो ये बन रहा है हमारा बुके एंड ये है एकदम मिनी बुके। सो फाइनली इट्स डन। वुलन थ्रेड से मैंने रिबन भी बना लिया एंड ये काफी क्यूट लग रहा है ना। सो फाइनली अवर फटाफट से बन जाने वाला मिनी बुके इज रेडी। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम देखेंगे कुछ बॉक्स डेकोरेशन आइडियाज। कभी कभी क्या होता है कि हम गिफ्ट लेके तो आ जाता है या फिर कोई हमने DIY गिफ्ट बनाया होता है तो वो तो हमारे पास कुछ छोटे छोटे मिनी गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन उनको रख के किस में दे उसके लिए लास्ट मोमेंट में हम कोई बॉक्स बनाना या फिर बॉक्स लेके आना भूल जाता है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई ऐसा बॉक्स है जिसको बाहर से डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है देन इट इज़ ऑल परफेक्ट। लेकिन कोई ऐसा बॉक्स है जिसको हमें बाहर से भी डेकोरेट करना है तो हम उसको गिफ्ट पेपर से भी डेकोरेट कर सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर भी हम कुछ अमेजिंग वाला डेकोरेशन कर सकते हैं जो एकदम ही कस्टमाइज लगेगा, तो चलिए वो करते हैं। एंड अगर आपको याद है तो कुछ ऐसे ही डिफरेंट टाइप के बॉक्स को हमने क्राफ्ट पेपर से कवर किया था कुछ इस तरह से और उसका ऑर्गेनाइजर बनाया था जो यहाँ पे है, उसी तरह से हम गिफ्ट पेपर से भी ऐसे कोई बॉक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी डेकोरेटेड बॉक्स है तो हम इसे यूज़ करेंगे। फिलहाल हम बॉक्स को अंदर से कैसे डेकोरेट करें और एकदम कस्टमाइज लुक दें उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स के लिड को अंदर से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए टोटल 5 ट्रायंगल्स मैंने कट किए, येलो के 2, टर्किश कलर के 2 एंड रेड का 1। इसको हम एक साइड अभी रखते हैं, अभी दूसरा DIY बनाते हैं क्योंकि ये वही डेकोरेशन का एक पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम फैन बनाते हैं वैसे इसका जिगजैग फोल्ड करना है, फिर सेंटर से स्टेपल करके दोनों एंड्स में थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है एंड ये ना ऑलमोस्ट फ्लावर जैसा लुक देगा। इसीलिए इसकी हर एक पेटल को मैंने राउंड शेप में कट किया, हम ट्राइंगल भी कट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो शेप मैं नेक्स्ट डेकोरेशन में करने ही वाली हूँ एंड दोनों साइड से इस तरह से ग्लू कर देना है एंड फाइनली इट्स रेडी। एंड यस हम इसको इस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग भी दे सकते हैं अगर ये स्टेपलर की पिन से थोड़ी छोटी विड्थ का हो तो। एंड नाउ फाइनली अरेंज करते हैं। तो मैं यूज कर रही हूँ सेलो टेप, उसका राउंड राउंड रोल करके हम एक एक ट्राइंगल पेस्ट कर देंगे। एंड ये हैप्पी बर्थडे का एक टैग भी मेरे पास था तो मैंने वो भी साथ में लगा दिया। एंड हमने जो गिफ्ट्स एंड कार्ड्स बनाए वो इसमें अब अरेंज करते हैं। तो ये है श्रेड्स, सबसे पहले मैंने ये सेट कर दिए, अगर ये ना हो तो क्विलिंग के पेपर्स भी यूज़ कर सकता है। फिर हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस हो वो हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखे हैं फ्लावर्स, थर्मोकोल बॉल्स एंड कुछ बीड्स फ्लावर शेप वाले। फिर बर्थडे गिफ्ट्स रख के मुझे लगा कुछ और छोटी छोटी थिंग्स भी ऐड करता है तो मैंने सनग्लासेस, लिपस्टिक, पर्स ऐसी छोटी छोटी थिंग्स ऐड की एंड हमारा DIY कस्टमाइज डेकोरेशन से भरा हुआ ये गिफ्ट बॉक्स फाइनली रेडी है। फिर मैंने सोचा ऊपर बुके भी रखता है, क्यूट लगेगा। एंड यहाँ पर हम ऊपर नेम भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी थिंग्स लिख सकता है, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं लिखी है। तो बॉक्स ओपन करके तुरंत ये डेकोरेशन दिखेगा, काफ़ी मज़ेदार लगेगा ना। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, आपको गिफ्ट देने में भी काफ़ी यूनिक लगेगा और जिनका बर्थडे हो उनको बॉक्स ओपन करके भी काफ़ी यूनिक लगेगा। तो इन बर्थडे स्पेशल DIYs में से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे तो एक्चुअली सारे बहुत ही क्यूट लगे। और ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन ऑफकोर्स ये टॉपिक यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, पार्ट 2 भी आने वाला है इसका जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट DIY बर्थडे गिफ्ट्स बनाने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बाय बाय।